ये धाराशिव का भवानी चौक है, जिसे सांझा चौक भी कहते हैं। मतलब ये जो रोड है सामने से आपको दिख रहा है, ये सीधा सांझा की तरफ, सांझा एक गांव पड़ता है उस तरफ जाने वाला रोड है, लेकिन ये चौक है। और ऊपर से जो पुलिया आपको दिख रही है, यहाँ से NH 52 है, बोले तो राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है, जो यहाँ से औरंगाबाद, बीड औरंगाबाद से लेकर इस तरफ में तुलजापुर और सोलापुर की तरफ जाने वाला है, जो जिसका बोर्ड और होर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये है। पूरा भवानी चौक है, सांझा चौक ये है, इसका नज़ारा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं आप, ये जो है NH है ऊपर वाला 52, और ये NH जो है यहाँ से मतलब औरंगाबाद की तरफ जाने वाला है, और इस तरफ जाएगा तो ये तुलजापुर सोलापुर की तरफ जाने वाला है। इस चौक के ऊपर यहाँ पर जस्ट एक आपको इस तरीके का ये मंदिर दिखाई देता है, जिस मंदिर में कुछ पूजा इत्यादि भी चल रही है, भजन इत्यादि हो रहे हैं, जिनकी आवाज़ आपके कानों तक सुन भी रही होगी। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रीट है, यहाँ पर मार्केट लगता है, एक सब्जी मार्केट या फल फ्रूट मार्केट है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से ये मतलब मार्केट है। यहाँ पर नीचे जो है टैक्सी वगैरह इत्यादि हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ जो है इस पुलिया के नीचे आपको यहाँ का एक सब्जी मार्केट देखने को मिलता है, और फल फ्रूट इत्यादि का ये मार्केट देखने को मिल जाता है। तो बहरहाल ये सांझा का पूरा मतलब एक तरीके से सांझा चौक का एरिया है, और ये मार्केट है पूरा। तो धाराशिव का आप ये जो भवानी चौक है ये देख रहे हैं, और यहाँ का मार्केट देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, जस्ट सामने जो है यहाँ पे एक स्टोर दिखता है हमारे को, ये मेडिकल स्टोर है, और यहाँ से कुछ ऐसे ये सब्जी मंडी बनी हुई है। अब जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो रोड जा रही है, यहाँ पे एक सांझा करके गांव है, उस सांझा गांव की तरफ जाने वाली रोड है, लेकिन जस्ट ये जो है NH 52 की तरफ से आने वाली ये रोड, अब यहाँ से जाएंगे तो ये तुलजापुर सोलापुर की तरफ आगे की तरफ जाने वाला रास्ता है। जस्ट यहाँ से चलेंगे तो नीचे जो है जो धाराशिव है या उस्मानाबाद का मुख्य जो मार्केट है उसकी तरफ ये रास्ता जो है चला जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं मुख्य जो धाराशिव उसकी तरफ फिर से। मतलब ये जो है भवानी चौक है यहाँ का, इसे सांझा चौक भी हम कहते हैं। जस्ट सामने एक मंदिर है, यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं, एक चाय का छोटा स्टॉल है, इन्होंने चाय ऑफर किया है। हालांकि सब लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग जो सपोर्ट करते हैं देखकर, एज ए ब्लॉगर, एज ए टूरिस्ट या फिर बाहर का कोई भी आता है तो उसे सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई लोगों ने चाय के लिए पूछा, हमने चाय पी ली है। ओके, अभी ये जो है यहाँ से ये जो है बस स्टॉप की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो हमारे को बस स्टॉप तक लेकर जाएगा, या फिर मैं कहूँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, भवानी चौक से जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये रोड थोड़ी सी इधर टूटी फूटी सी है। महाराष्ट्र का धाराशिव डिस्ट्रिक्ट का ये जिजाऊ चौक है, राजमाता जिजाऊ चौक, जो सामने एक झंडा लगा हुआ है, मतलब झंडा फिलहाल नहीं है, हटाया गया है, लेकिन ये बत्ती, ये चौराहा आपको मिलेगा, जिसके जस्ट ऊपर इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर राजमाता जिजाऊ चौक, ठीक है, कुछ ऐसा स्टेच्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जस्ट सामने से जो ये स्कूल बस आ रही है, ये जो है धाराशिव की लेनी की तरफ से जाने वाली सड़क है, और जस्ट इस साइड में अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ की जो एक मंदिर है फेमस, उस मंदिर की तरफ से हमें जाने को ये रास्ता मिलता है। और फेमस यहाँ का मंदिर जो बात करें तो धाराशिव में के जो यहाँ की हतलाई माता मंदिर है उसकी तरफ जाने वाली ये रोड होगी, ठीक है। और ये जो रास्ता है यहाँ से जस्ट साइड में हम देख रहे हैं, ये रास्ता ICICI बैंक लिखा हुआ मिल रहा है, और कैपिटल ये कुछ लिखा हुआ है,
सुक्रमा कैपिटल ऐसे। तो ये जो है यहाँ से आपको ये जो रास्ता है आपको सेंटर बिल्डिंग की तरफ लेकर जाएगा। जस्ट इस रास्ते से हम जाएंगे तो ये मुख्य शहर के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चौक, और फिर वहाँ से आपको लेकर जाएगा छत्रपति शिवाजी चौक, वहाँ से बस स्टॉप बहुत नज़दीक रहेगा। तो ये एक एरिया वर्तमान में स्थिति कैसी है, मतलब धाराशिव की और यहाँ का मार्केट कैसा है, ये हम देख सकते हैं। तो धाराशिव का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी सिटी और पूरा शहर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बोलो बोलो यार, मेरे को बोल दो ना, शर्माते क्यों? यूट्यूबर हो? बिल्कुल हैं। नाम? मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ। अभी कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी स्कूल? हमारी 12:30। 12:30। नाइन्थ क्लास में आप हैं, कौन सी स्कूल से? स्कूल का क्या नाम? भोसले स्कूल। ये प्राइवेट है भोसले या सरकारी है? मतलब प्राइवेट संस्था है, तो मतलब इसमें प्राइवेट की तरह से काम करती है, इसमें आपको फीस वगैरह देनी पड़ती है? नहीं, फीस नहीं। फ्री है? फ्री है, तो फिर सरकारी हो गई ना संस्था। मतलब हाँ, वो सरकार से अनुदान मिलता होगा उनको, वो अलग विषय है, लेकिन स्टूडेंट्स से कोई फीस नहीं ली जाती है ना? नहीं। नाम मात्र की कभी पेपर वगैरह की फीस वगैरह? पेपर वगैरह की होती है। 100 रुपए से ऐसा ही रहता है ना, जब फिर गवर्नमेंट स्कूल है ये, सरकारी बोल।